नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात तो हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, आपकी कोई भाई बंधु दोस्त। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हैं। ये 72 घंटे के लिए होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपके घर के ब्रेड आर्नर हो या फिर आपको समझता है। एस ऑफ कप्स, ये आपको अपनी घर की ब्रेड आर्नर समझते हैं, आपको अपनी घर की दिल की रानी या राजा महाराजा समझते हैं, समझ रहे हैं। 72 घंटे में ऐसे उनकी एनर्जी रहेगी। एस ऑफ कप्स उनके लिए ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं, ये सोल कनेक्शन है। 9 ऑफ कप्स, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। इन 72 घंटे में देखो बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है, ये विक्ट्री चाहना पाना चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में एक इन्होंने बहुत सहा होगा, पहले बहुत परेशानी देखी होगी, बहुत सहा होगा रिश्ते में, बहुत ऊंच नीच हुई होगी आप लोगों की। तो इन 72 घंटे में ये बंदा या बंदी आपको याद भी करेंगे, आपको अपने घर के ब्रेड अर्नर समझते हैं। उनको पता है कि आप जो हो ये सारी परिवार को, रिश्ते को, उनको, घर को बांध के रख सकते हो, पैसे की सेविंग्स आप कर सकते हो, धीरे धीरे आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हो, या फिर ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है। ये स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते के स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो ये और भी गहराई तक रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपके साथ रिश्ते में आना उनके लिए कोई विश पूरा होना जैसा है, विश फुलफिलमेंट ही तो है। आप जो हो, आपसे जो इतना प्यार जो करते हैं, तो अगर आप उनको मिल गए, अगर आप ऐसे रिश्ते में हो अभी शादी नहीं हुआ है तो आप तो उनका विश हो ही सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हो पहले से ही तो भी उनका विश पूरा हुआ है आपको पाके। इन्होंने इस तरह की लाइफ पार्टनर मांगा है भगवान से या फिर मांग रहे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फील करेंगे इन 72 घंटे में। रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में इनको बहुत ज़्यादा चिंता है कि ये रिश्ता कब स्टेबल बन जाए, और आपके साथ रिश्ते में रहना ये उनके लिए जैसे कोई बहुत बड़ा विश पूरा होना है, तो इसके लिए ये प्रेयर भी करेंगे। अभी देखेंगे ये पर्सन चाहता क्या है आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद को हील करना चाहते हैं, इन्होंने हील कर भी लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी खुद को हील कर लिया होगा, आपने आप भी खुद को हील किया होगा। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, आप करो या वो करे ये एक्शन चाहते हैं। ये स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये खुद को हील करना चाहते हैं, अपने परेशानी को, अपनी चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं। योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, जो कुछ भी करके हो ये खुद को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ये चाहते हैं आप भी उनको समझे, आप भी पूरी तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करें और एक नई शुरुआत करें रिश्ते में,
ये एक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं आप भी एक्शन लो। ये चाहते हैं इनके मन में कोई गिले शिकवे ना रहे और आपके भी पूरी तरीके से दोनों ही एकदम क्लियर होके हिल होके आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा, इनका क्या एक्शन रहेगा इन 72 घंटे में। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन का, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आ रहे हैं आपसे मिलने। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टेबल रिश्ते के साथ आपके सामने आ रहा है, रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके आपके सामने आ रहा है, ये आपसे मिलने आ रहा है। ये इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू करेंगे, रिश्ते को दोबारा शुरू करना इनके लिए कोई जश्न से कम नहीं है। ये जश्न मनाना चाहते हैं, दोबारा से आपको पाना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना इनके लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत खुश होने वाली विषय है इनके लिए। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके प्रति, इसलिए ये आपसे मिलने आ रहा है, आपसे बातें करेंगे और आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देना इनके एक बहुत बड़ा काम रहेगा। और ये उम्मीद करेंगे कि आप उनको साथ दें, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसे समझते हैं। इनको पता है, हो सकता है पहले रिश्ता बहुत सख्ती से चला था, बहुत परेशानी था रिश्ते में, लेकिन अभी रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं और दोस्ती से शुरू करके इस रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, जस्टिस, वाओ, कोई लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार किस बात का, मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो कि डिसीजन लेने का, तो आप ले सकते हो, जस्टिस आप लोगों को मिलने वाला है। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसे माफी मांग ले और उसको दूसरा उसको माफ कर दे, तो आप लोगों का रिश्ता सही हो जाएगा। जिस चीज का आपको इंतजार था डिसीजन लेने का, सही वक्त का, वो इंतज़ार अभी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने किया है पैसे कमाने के लिए, उतना मेहनत आपको रिश्ते में भी डालनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का रिश्ता स्टेबल रिश्ता बनेगा जैसा कि आप सोच रहे हो, और आप लोगों को जस्टिस भी मिलेगी, जिस जस्टिस की इंतज़ार आप दोनों का ही है। आप दोनों ही जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो, क्योंकि ये एक तरफा है, उनकी तरफ का एक्शन, उनकी तरफ की फीलिंग्स, उनके क्या चाहते हैं, तो इंटेंशन, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते हैं। आज मैं उनकी तरफ से रीडिंग कर रही हूँ, तो ये चाहते हैं रिश्ते में दोबारा आना और ये जस्टिस देना भी चाहते हैं, जस्टिस करना भी चाहते हैं खुद के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।